मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की एनओजी टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 52 केंद्रों पर चल रही परीक्षा में 10 सॉल्वर को अरेस्ट किया है। यह लोग दूसरे छात्रों के जगह खुद एग्जाम दे रहे थे। इस काम के लिए यह लोग 50,000 से लेकर 2,00,000 तक की वसूली किया करते थे। इसमें से एक मास्टरमाइंड सचिन है, जो पहले भी सॉल्वर गैंग के सदस्य के रूप में गिरफ्तार हो चुका है, जो इस गैंग को बिहार के लोगों की मदद से चलाता था। पुलिस को इनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल और चीटिंग मटेरियल मिला है। मुरादाबाद में 52 केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एसटीएफ, एसओजी और पुलिस टीम ने सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को शहर के अलग अलग स्कूलों से गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ये परीक्षार्थियों से पैसा लेकर उनकी जगह सॉल्वर बिठाते थे। फिलहाल अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस की माने तो एसटीएफ और पुलिस टीमों को सूचना मिली थी कि सॉल्वर गैंग के सदस्य शहर के अलग अलग स्कूलों परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वर बिठा रहे हैं, जिस पर टीम बनाकर छापेमारी की गई और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में ये सामने आया कि ये लोग 2,50,000 रुपए में पेपर का सौदा किया करते थे। पुलिस ने हिंदू कॉलेज से दानिश, नाजिम, राजू कश्यप को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बताया कि राजकुमार की जगह सुशांत और इंद्रपाल की जगह विक्की कुमार परीक्षा दे रहे हैं। आरआर के स्कूल में अनुज की जगह मुकेश, अशोक जगह चंदन परीक्षा दे रहे हैं। पागबाड़ा के वेदराम इंटर कॉलेज में सुभाष की जगह राजमणि और गुलाबबाड़ी के सरस्वती विद्या मंदिर में दिनेश की जगह चंदन परीक्षा दे रहा था। गैंग का सरगना सचिन है, जो की फरार है। वो पहले भी सॉल्वर गैंग से गिरफ्तार हो चुका है। ये गैंग परीक्षार्थियों के धुंधले फोटो एग्जाम फॉर्म पर लगाकर उनसे मिलते जुलते अपने आधार कार्ड और दूसरी फर्जी आईडी बनाकर एग्जाम में बैठा करते थे। जी, इस मास्टरमाइंड गिरोह के तार बिहार के कुछ लोगों से भी मिले जुले हैं, जिनके मदद से यह गैंग को ऑपरेट किया करते थे। सीटेट का सेंटर यहाँ है, तो उस क्रम में आज यहाँ 9:30 से 12 बजे तक जो पहली शिफ्ट थी, तो उसमें कुछ सॉल्वर गैंग के लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इस टीम में हमारे एसओजी एसटीएफ बरेली के इंस्पेक्टर अजयपाल सिंह और एसओजी मुरादाबाद के एसआई अजयपाल और इंस्पेक्टर कोतवाली आरके सिंह, इन लोगों की टीम ने आज 10 लड़के पकड़े हैं सॉल्वर गैंग के। उसमें से 3 लड़के वो हैं जो सॉल्वर गैंग में शामिल हैं, मिस्टर नाजिम, दानिश और बिपिन, और 6 लड़के वो पकड़े गए हैं जो किसी के बदले में एग्ज़ाम दे रहे थे, दूसरे कैंडिडेट के बदले में पैसे लेकर। और 10वां लड़का वो है जिसको खुद बैठना था, लेकिन उसने बदले में किसी और को बिठाया। तो 10 लड़के हम लोगों ने पकड़े हुए हैं। सूचना ये थी कि एक सचिन लड़का है काशीराम नगर का, मुरादाबाद का, मंझोला का। ये 2018 में भी जेल इसी सॉल्वर गैंग के केस में ही ये जेल जा चुका 2018 में भी। तो इसने 3-4 लड़कों के साथ मिल के फिर अपना जाल बनाया और बिहार से इसने लड़के बुलवाए, जो सॉल्वर लड़के हैं वो बिहार से बुलवाए, और यहाँ इसने सबसे 50,000 रुपये के हिसाब से इसने तय किए थे लड़कों से, और करते ये थे कि ये अपना आधार कार्ड और जो जिस कैंडिडेट को बैठना है उसको आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड, वो धुंधला फ़ोटो लगाते थे लोग फार्म में, और फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी बनवा के उसकी फ़ोटो वहाँ पे, जो सॉल्वर है जो लड़का आएगा उसकी फ़ोटो लगवा के फिर वो लोग वहाँ बैठते थे कॉलेज में। और इस तरीके से इन्होंने सूचना मिली तो 6 हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, 6 लोग जो सॉल्व कर रहे थे। एक हिंदू कॉलेज है, दूसरा मेथोडिस्ट कॉलेज, तीसरा कॉलेज है आर आर के, चौथा है वेदराम कॉलेज पाकड़ा, और 5वां सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी कटरा। 6 कॉलेजेस से हम लोग इन लड़कों को गिरफ्तार किया है। सर, इनके पास से क्या क्या, इनसे जो है 61,630 रुपये नकद मिले हैं, और 1 अदद स्विफ्ट डिजायर कार है, 1 अदद मोटरसाइकिल है, पल्सर, 10 अदद मोबाइल मिले हैं, और 4 अदद आधार कार्ड, 6 अदद पैन कार्ड, नहीं 6 अदद पैन कार्ड है, जो जिनमें फोटो चस्पा करके जो मेन जो परीक्षार्थी था उसका फ़ोटो चेंज करके, पता वही है लेकिन फ़ोटो चेंज किया है। तो ये हम लोगों ने 6 इनके पैन कार्ड बरामद किए हैं, 2 अदद इनके मतदाता पहचान पत्र में भी ये लोग फ़ोटो डलवाए हैं अपना, और 8 अदद एटीएम कार्ड इनके हैं, ये 2 चेकबुक हैं, 4 अदद स्कूल की आईडी हैं, और 2 अदद इनके डीएल, ये चीज़ इनसे बरामद हुई है। तो एक अच्छा एक मतलब सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ सहयोग से। कुल कितने लोग हैं?
बोले 10 लोग गिरफ्तार हैं। सर किस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी ये था, ये जो सचिन है मुरादाबाद का मझोला क्षेत्र का रहने वाला, ये पहले 18 में भी जेल जा चुका है इसी काम में। तो इसने एक नाजिम लड़का, एक दानिश और बिपिन, इन लोगों से एक गैंग बना के इन लोगों ने यहाँ लोकल लोगों से बात की, लड़कों से कि हम आप हमें कुछ पैसा दीजिए, बदले में हम आपको आपकी जगह पे किसी और को बिठा के और फिर हम आपको मतलब पेपर आपका सॉल्व कराएंगे। ये भी तय हुआ कि भाई कुछ पैसे अभी दे दो, बाकी जब उसका सॉल्व पेपर आ जाएगा, जैसे अभी आज परीक्षा हुई तो 4 दिन में इसका सॉल्व पेपर आ जाएगा, तो मिलान करने के बाद बाकी पैसा इन लोगों को फिर दिया जाना था। एक बच्चे से कितने रुपए लिए जाते थे, कुछ आइडिया है? ये 50 का राउंड इन्होंने तय किया था, 50,000 के आसपास। हाँ, 50। ये बच्चों का संपर्क कैसे करते थे कि कौन बच्चा परीक्षा? ये बेसिकली ये लड़के तो लोकल ही हैं और जिन लोगों से उन्होंने बात कर रखी है वो भी लोकल हैं। अच्छा, बिहार वाला कहेंगे क्योंकि पहले से टच में है उनके, तो इसने इन लोगों से बात करके फिर बिहार से लड़के बुलवाए। ओके, ये सभी किसी दूसरी जगह परीक्षा दे रहे थे? हाँ, सारे 6 बच्चे जो बिहार लड़के हैं, ये 6 लड़के लोकल यहाँ के हैं, उनकी जगह परीक्षा दे रहे थे। और इन्होंने उनके आधार कार्ड या जो वोटर आईडी है उसमें फ़ोटो बदल दिया, और जो फार्म में लगाया फ़ोटो वो फ़ोटो धुंधला था ताकि पहचान में ना पाए इजली, और बाकी पता इनका जो एक्चुअल है जो परीक्षार्थी उन्हीं का है, बस फोटो बदले हुए। सर इन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, परीक्षा देने के बाद पकड़ा गया? नहीं नहीं, हम लोगों ने पहले से ही हमारी लोग टीम लगी हुई थी, हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे थे सचिन को, तो हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों पर ही जाके प्राचार्यगण से संबंधित से बात की और वहीं से हम लोगों को उठाया है कॉलेज के अंदर। परीक्षा देने JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।